नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए एक नए तरीके से साबूदाने और आलू के नाश्ते। ये नाश्ते बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप इसे अपने घर पर व्रत में बहुत आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। नाश्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप साबूदाना पानी से साफ करके 2 घंटे के लिए रख दिया था। साबूदाने हमारे फूल गए हैं और इसका पानी भी सोख लिया है। तो सबसे पहले हम साबूदाने को पीसेंगे। साबूदाने को हम इस जार में डालकर मोटा दरदरा पीस लेते हैं। साबूदाने को हमने पीस लिया है, अब इसको इसी कटोरी में निकाल लेते हैं। साबूदाने को हमने इस तरीके से मोटा दरदरा पीसा है, बहुत बारीक नहीं किया है। यहाँ पर हमने छोटे बड़े साइज के 4 उबले आलू लिए हैं, इसका छिलका साफ कर दिया है। अब इसी बाउल में आलू कद्दूकस करेंगे। यहाँ पर हमने एक ग्रेटर लिया है, इसी से आलू कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हैं। आलू को हमने अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब आलू में 1 चम्मच काली मिर्च मोटा दरदरा पिसा हुआ डाल देते हैं, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, 1 चम्मच सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें पिसा हुआ साबूदाना डाल देते हैं। अब सारे सामान को आलू में हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं। सारे सामान को हमने आलू में अच्छे से मिला लिया है। अब हम नाश्ते को बनाएंगे। नाश्ते बनाने के लिए हमने गैस पर तवा रख दिया है। अब हम गैस को ऑन करते हैं। यहाँ हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। पहले हम इस ब्रश से तवा पर थोड़ा सा घी लगा देते हैं। घी को हम पूरे तवा में अच्छे से लगाएंगे। तवा हमारे गर्म हो चुके हैं, हम गैस को मीडियम में कर देते हैं। अब हम नाश्ते को बनाएंगे। पहले हम थोड़ा से हाथ में घी लगा लेते हैं और यहाँ पर हमने थोड़े बड़े साइज के आलू गलोई लिया है। अब इसको दोनों हाथ से मसलते हुए गोल करके चिपटा करेंगे। जिस तरीके से हम हाथ से मक्के की रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा पतला चिपटा करेंगे और इसको हम तवा पर रख देते हैं। अब उसी तरीके से हम एक और बना लेते हैं। अब इसको हम तवा पर सिकने देते हैं मीडियम आंच पर। हम इसको तुरंत नहीं पलटेंगे, जब नीचे से हल्का सिक जाएगा तभी पलटेंगे। ऊपर से थोड़ा घी डाल देते हैं। यहाँ हमने एक कटा हुआ टमाटर लिया है। टमाटर के बीज को निकाल कर हमने इस तरीके से काटा है। अब टमाटर को नाश्ते के ऊपर लगाएंगे। आप चाहें तो टमाटर को गोले आकार में काट कर लगा सकते हैं। जब ये टमाटर पक जाएंगे तो नाश्ते खाने में इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर से हरी धनिया और हरी मिर्च को लगा सकते हैं। अब नाश्ते को धीरे धीरे पलट देते हैं, ये नीचे से सिक गए हैं। आप देख सकते हैं नाश्ते हमारे नीचे से पूरी तरह सीख गए हैं। अब इसी तरह से हम उस तरह सेक लेते हैं। थोड़े से घी इसके किनारे किनारे और डाल देते हैं जिससे नाश्ते अच्छे से सीख जाएं और जले ना। इसको हम इसी तरीके से 2 मिनट तक और सीखेंगे। अब नाश्ते को हम पलट देते हैं उस तरफ। ये नाश्ते हमारे दोनों तरफ से अच्छे से सीख गए हैं और टमाटर भी पक गए हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको हमें दोनों तरफ से सिकने में 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब इसी तरीके से बाकी बचे हुए आलू का नाश्ता बना लेते हैं।
अब उसी तरीके से हम इस पर भी थोड़ा सा घी डालकर सेकेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा टमाटर लगा देते हैं। गैस को हम तेज नहीं करेंगे, अगर तेज आंच पर हम नाश्ते बनाएंगे तो नीचे से जल जाएंगे, इसलिए हम इसको मीडियम आंच पर सेक रहे हैं जिसे अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब इसको भी धीरे धीरे पलट देते हैं। टमाटर वाले साइड को हम लगभग 2 से 2.5 मिनट तक सेकेंगे जिसे टमाटर अच्छे से पक जाए। अब इसको भी धीरे धीरे पलट देते हैं। ये वाले भी नाश्ते हमारे अच्छे से सिक गए हैं। अब इसको भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं और हम गैस को बंद कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे इस तरीके से नाश्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। यह नाश्ते चटनी के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे हरी धनिया हरी मिर्च की चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आप इसे बिना व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मसाले और सब्जी बढ़ाकर डाल सकते हैं। यह नाश्ता झटपट से बन जाते हैं, इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।